हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय के भाग 7 को पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आर्थिक समस्या के बारे में जाना था, जो कि संसाधनों के चयन की समस्या थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको वह वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि केंद्रीय समस्या क्या होती है और यह किस वजह से उत्पन्न होती है। दोस्तों, केंद्रीय समस्या हर अर्थव्यवस्थाओं की बुनियादी व एक जैसी समस्या है। आर्थिक समस्या की भांति अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी साधनों की दुर्लभता और उनके वैकल्पिक उपयोगों के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में साधन दुर्लभ हो और उनके वैकल्पिक उपयोग हो, तो हर अर्थव्यवस्था को संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों में मजबूरन चुनाव करना पड़ता है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था द्वारा चुनाव का यह दबाव ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहलाता है। दोस्तों, इसे सरल शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं, संसाधनों के आवंटन की समस्या को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसे एक भूमि के उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भूमि एक संसाधन है और इसके वैकल्पिक उपयोग भी हैं। भूमि का इस्तेमाल फैक्ट्री, उद्योग, फर्म के रूप में किया जाता है और भूमि को कृषि के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा रहने के लिए जैसे घर व होटल की बिल्डिंग भी भूमि पर बनाई जाती है। दोस्तों, केंद्रीय समस्या भूमि को अलग अलग कार्यों जैसे उत्पादन, कृषि और निवास स्थान के लिए बांटने की समस्या है, अर्थात कितनी भूमि को कृषि कार्य में लगाया जाए, कितनी भूमि फर्म व उद्योग के प्रयोग में लाई जाए और कितनी भूमि आवास के लिए इस्तेमाल की जाए। यही संसाधनों के आवंटन यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। दोस्तों, संसाधनों के आवंटन की बुनियादी समस्या की तीन शाखाएं हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ये तीन शाखाएं कौन सी हैं। पहली आवंटन की समस्या है कि अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी आवंटन की समस्या है कि अर्थव्यवस्था में कैसे उत्पादन किया जाए। तीसरी आवंटन की समस्या अर्थव्यवस्था में किसके लिए उत्पादन किया जाए है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आवंटन की समस्या क्या उत्पादन किया जाए के बारे में। दोस्तों, हर अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में कौन से पदार्थ या वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं। दोस्तों, वे वस्तुएं जिनका उपयोग करके मनुष्य की आवश्यकताओं की तुष्टि हो सकती है, वह उपभोक्ता वस्तु कहलाती है, जैसे जैम, ब्रेड, बिस्किट, फल इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूंजीगत वस्तुएं या उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं। दोस्तों, ये वो वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने में काम आती है, जैसे मशीन, औजार, कच्चा माल, बीज, खाद, ट्रैक्टर आदि। दोस्तों, अब हमें यह तो पता है कि केंद्रीय समस्या की शाखा क्या उत्पादन किया जाए
उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं व इनकी मात्रा के उत्पादन से जुड़ी है, परंतु इसका हल जानना भी आवश्यक है। दोस्तों, इसका हल है कि संसाधनों को इस प्रकार बांटा जाए कि उनके उत्पादन व उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे उत्पादन किया जाए समस्या क्या है। दोस्तों, यह समस्या उत्पादन के तरीके यानी तकनीक में चुनाव की समस्या है। दोस्तों, तकनीक मुख्य दो प्रकार की होती है, श्रम प्रधान तकनीक व पूंजी प्रधान तकनीक। दोस्तों, श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें मजदूर उत्पादन कार्य करते हैं। दोस्तों, आपने मजदूरों को अपने आसपास काम करते देखा होगा या उन्हें किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगा हुआ देखा होगा, जैसे घर बनाना। यह एक श्रम प्रधान तकनीक है क्योंकि यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। इसके विपरीत पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक अर्थव्यवस्था उत्पादन की ऐसी तकनीक का प्रयोग करना चाहती है जिसमें सीमित संसाधनों द्वारा ज्यादा से ज्यादा पदार्थ व सेवाओं का निर्माण हो सके। इस समस्या का हल भी यही है कि उत्पादन की ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए जिससे एक वस्तु बनाने का खर्चा सबसे कम हो। दोस्तों, अगली समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। दोस्तों, हम जानते हैं कि उत्पादन के चार साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम मिलकर सामूहिक रूप से वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादन क्रिया से अर्जित लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ को आय के रूप में इन साधनों में इनके योगदान के अनुसार बांट दिया जाता है। किसके लिए उत्पादन किया जाए? समस्या वास्तव में उत्पादन की प्रक्रिया से मिली आय के वितरण की समस्या है। दोस्तों, उत्पादन में से कितनी वस्तुओं और सेवाओं में से कौन कितना प्राप्त करता है, यह भी चयन की समस्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि केंद्रीय समस्या क्या होती है और उपभोक्ता व पूंजीगत वस्तुओं में क्या अंतर है। हमने इस वीडियो में यह भी सीखा कि श्रम प्रधान तकनीक व पूंजी प्रधान तकनीक क्या होती है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है।